अगेंस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर जो यूएसए में फॉलो किया जाता है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कौन सा पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, देखिए हम लोग का थर्ड सेमेस्टर में तीन पेपर है, आपको मालूम होगा। तो तीन पेपर में एक पेपर जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। वन बाय वन करके मैं पूरा कवर करवाऊंगी आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, वहां से आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी। तो इसमें आपको मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 पढ़ना होगा। मॉड्यूल 2 में आपको ये सब पढ़ना होगा, मॉड्यूल 1 में ये सब। मॉड्यूल 1 का बहुत सारा टॉपिक अभी कवर हो गया है और मैं वन बाय वन कर आपका सारा कवर करवा दूंगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं ये वाला पेपर कवर करवा रही हूँ। और इससे रिलेटेड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगी, एमसीक्यू हो या शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक मैं आपको दूंगी ताकि आपका ये वाला पेपर जो है बहुत ही अच्छा से कवर हो जाए। तो चलिए हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं। व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे फॉलो किया जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन मींस क्या होता है, सेपरेट करना पावर को। किसके पावर को यहाँ पे सेपरेट करने की बात कही गई है? यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट के पावर को सेपरेट किया जा रहा है। कैसे, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं और ये थ्री ऑर्गन कौन कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इन तीनों के जरिए ही गवर्नमेंट चल रहा है। तो ये तीनों को अलग किया गया यूएसए में ताकि करप्ट ना हो। ओके, तो कैसे, देखिए ऐसे की शक्ल देखिए, बहुत ही ज्यादा उदास है कोई टेंशन में है तो कोई सुस्त है। क्यों है? क्योंकि इनके फादर के पास थ्री ऑर्गेनाइजेशन था। तीनों ऑर्गेनाइजेशन को वो लोग अलग अलग, मान लीजिए इनके पास थ्री चाइल्ड है, तीनों चाइल्ड को एक एक करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकते थे लेकिन वो नहीं दिए। वो बोले कि तीन ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों को क्या करना है, जिसमें मन चाहे उसमें चले जाए। कभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो कभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, उलट पलट होने लगा, मतलब कि सही से कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या किया गया, लास्ट में इसके फादर को लगा कि हमें क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए सबके ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव वाला ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया इस बच्चे को, लेजिस्लेटिव वाला ऑर्गेनाइजेशन इस बच्चे को दे दिया गया एंड जुडिशियरी वाला इस बच्चे को दे दिया गया। अब देखिए तीनों बहुत हैप्पी हैं, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लग रहा है उन लोगों को कि हमें एग्जीक्यूटिव वाला ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है तो हमें उसी काम को करना है और वो लोग लगन से कर रहे हैं। वैसे उन लोगों जब स्टार्टिंग में जब तीनों एक साथ था तो क्या लगा कि तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसकी वजह से काम भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसलिए तीनों का काम जब अलग अलग हो गया तो तीनों क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट किया गया, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करने वाले हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि अगर इन तीनों ऑर्गन, गवर्नमेंट का जो थ्री ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, अगर इन तीनों ऑर्गन को अगर अलग अलग ना किया जाए तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए वो क्या किए, सेपरेशन ऑफ पावर किए। इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर अलग कर दी, लेजिस्लेटिव पावर अलग कर दी, जुडिशियरी पावर अलग कर दिए। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इन्फोर्स करता है, मींस लागू करता है। जुडिशियरी क्या करता है, अगर कोई उस लॉ को तोड़ रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे सजा देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ बना लेजिस्लेटिव के जरिए जिसमें क्या लिखा गया है कि जब रेड वाला जो लाइट होता है सड़क पे, रेड वाला जो लाइट अगर ऑन रहेगा तो हमको क्या करना है, क्रॉस नहीं करना है जब तक कि ग्रीन लाइट ऑन ना हो जाए। ओके, इस टाइप का ये लॉ लेजिस्लेटिव बॉडी के जरिए बनाया गया। एग्जीक्यूटिव इस लॉ को क्या करेगा, लागू कर देगा। लागू मतलब कि आप सभी को, जितने भी सिटीजन हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशियरी क्या करेगा, जुडिशियरी अगर देखिएगा इसका ये काम होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि रेड वाला लाइट जला हुआ था, ऑन था, उसी में वो रोड क्रॉस करता है तो उसे पनिश करेगा जुडिशियरी। ये सिंपल सा एग्जांपल मैं दी हूँ, वैसे तो बहुत सारे लॉ बनते हैं। तो इस तरीके से कैसे इनका यूएसए में ये जो गवर्नमेंट वाला थ्री ऑर्गन है वो कैसे कवर कर रहा है। लेजिस्लेटिव में हम लोग क्या देखेंगे, कांग्रेस को देखेंगे, और एग्जीक्यूटिव में देखेंगे कि प्रेसिडेंट पाया जा रहा है, और जुडिशियल पावर में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, अदर कोर्ट वगैरह जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला तीन आर्टिकल जो है 1, 2 एंड 3, ये तीन आर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 क्या बताता है, आर्टिकल 1 बताता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है, लॉ मेकिंग वाला जो पावर है वो कांग्रेस के पास होगा। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस पार्लियामेंट का नाम है। यूएसए के पार्लियामेंट को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का या पार्लियामेंट जो है यूएसए का, उसकी कितने हाउस है, दो हाउस है। सबसे पहला है सेनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों
ये दोनों हाउस के पास पावर होता है लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 1 ये बताया है कि लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है, कांग्रेस के पास है, जो पार्लियामेंट है, यूएसए के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, और पार्लियामेंट के 2 हाउस है, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों के जरिए ही क्या किया जाता है, पावर को यूज किया जाता है, लेजिस्लेटिव पावर को, लॉ मेकिंग वाला प्रोसेस जो है इन दोनों हाउस के जरिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पावर किसको दिया जाएगा, कांग्रेस को। आर्टिकल 2 बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्जीक्यूटिव पावर किसको दिया जा रहा है, यूएसए में प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, तो ये आर्टिकल 2 जो है वो बता रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो प्रेसिडेंट यूज करेगा। मतलब कि किसी लॉ को एग्जीक्यूट करना, लागू करना जो होगा उसका पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। और प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन कितना होता है, 4 ईयर्स होता है, और इसे रिमूव भी नहीं किया जा सकता है कांग्रेस के जरिए। मतलब कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है उनके जरिए प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ वो इम्पीचमेंट वाले प्रोसेस के जरिए हटाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के लिए हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या होता है कि जुडिशियल पावर जो है वो किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी कि जुडिशियल पावर किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट, एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट वगैरह भी आएंगे, दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होंगे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट वगैरह जो होंगे वो भी क्या करेंगे, जुडिशियल पावर को यूज करेंगे। और जजेस जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए सेनेट के अप्रूवल के बेसिस के ऊपर, लेकिन ये रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि प्रेसिडेंट तो जज को अपॉइंट कर ले रहे हैं लेकिन रिमूव नहीं कर सकते, रिमूव सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट वाले प्रोसेस के जरिए हो सकता है। तो ये 3 आर्टिकल जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताता है। मतलब कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये 3 आर्टिकल को बताया गया है, ये 3 आर्टिकल के जरिए हम लोगों को ये पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।